आज केंद्र सरकार और किसानों के बीच पांचवें दौर की बैठक, किसानों का ऐलान, पूछेंगे सिर्फ एक सवाल, नया कानून रद्द होगा या नहीं। सरकार के साथ आज होने वाली बैठक से पहले किसानों का बड़ा ऐलान, विशेष सत्र बुलाकर कानून वापस ले सरकार, नहीं तो 8 तारीख को भारत बंद। पूरे देश से दिल्ली आने को तैयार किसान, कानून वापस नहीं होने पर राजधानी को चारों तरफ से बंद करने का ऐलान। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, दिल्ली की बंद सीमाएं खोलने की सुप्रीम कोर्ट से अपील, याचिकाकर्ताओं ने शाहीन बाग के फैसले का दिया हवाला। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय क्षेत्र तक पहुंचे किसान आंदोलन की चिंगारी, श्योपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए किसान, कृषि कानून रद्द नहीं होने तक घर नहीं लौटने का ऐलान। किसान आंदोलन के चलते पुलिस ने दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर NH-24 किया सील, गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले दूसरे रास्तों से जाए। किसानों के मुद्दे पर विरोधी दलों के साथ जुड़ने की कोशिश में अकाली दल, आज ममता बनर्जी, तो 6 दिसंबर को उद्धव ठाकरे से होगी मुलाकात, तो मंत मान बोले पहले खुद को एकजुट करे अकाली दल। किसानों के समर्थन में पटना के गांधी मैदान में आज धरना देंगे तेजस्वी, महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस और वाम दल भी धरने में होंगे शामिल। किसानों के समर्थन में अवार्ड लौटाने आज राष्ट्रपति भवन जाएंगे खिलाड़ी, अवार्ड लौटाने वालों में पद्म श्री पहलवान करतार सिंह भी शामिल। आंदोलन के बीच किसानों की अनूठी पहल, हरियाणा के जींद में पीएम मोदी के लिए लड्डू बनाने में जुटे किसान, कड़वाहट दूर करने की अपील। किसानों के बीच कोरोना फैलने का खतरा, पंजाब से सिंघू बॉर्डर पहुंचे 10 डॉक्टर और 40 मेडिकल स्टाफ, कई किसानों को सर्दी जुकाम की शिकायत। किसानों के आंदोलन वाली जगह पर साफ सफाई के कड़े इंतजाम, किसी भी इंफेक्शन से बचने के लिए प्रशासन ने पूरे इलाके में फॉगिंग और सैनिटाइजेशन करवाया। कंगना को खा पंचायतों की चेतावनी, कहा दम है तो हरियाणा आकर दिखाए कंगना, बता देंगे औकात, कंगना ने किसान की बुजुर्ग मां पर की थी विवादित टिप्पणी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी कंगना को भेजा नोटिस, मनिंजर सिंह सिरसा ने कंगना के ट्वीट पर जताई नाराजगी। किसानों के मुद्दे पर हरियाणा में सियासी भूचाल, खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस, हड्डा ने कहा कि सदन में विश्वास खो चुकी है सरकार। किसान आंदोलन पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का बयान मंजूर नहीं, भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त को भेजा समन, कहा बयान से दोनों देशों के रिश्तों पर असर। हैदराबाद नगर निगम की 150 सीटों में से 48 पर बीजेपी की जीत, टीआरएस को 55, मजलिस को 44 सीट, 2 सीट पर सिमटी कांग्रेस। ओवैसी के गढ़ में लहराया भगवा, बीजेपी में जीत का जश्न, अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा पीएम पर भरोसा जताने के लिए शुक्रिया। हैदराबाद में जीत से गदगद बीजेपी, सीएम योगी ने ट्विटर पर लिखा कि भाग्यनगर की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद, रवि किशन ने भी भाग्यनगर कहकर दी बधाई। सीएम योगी ने हैदराबाद को भाग्यनगर के नाम से किया संबोधित, कहा भाग्यनगर का भाग्योदय प्रारंभ हो रहा है। हैदराबाद में बीजेपी की बंपर जीत पर राजा सिंह का बयान, कहा जो हमसे टकराएंगे चूर चूर हो जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, हैदराबाद में हार के बाद उत्तम कुमार रेड्डी ने पद छोड़ने का किया ऐलान। हैदराबाद निकाय चुनाव के नतीजों के बाद ओवैसी ने मानी अपनी हार, कहा यकीनन ये बीजेपी की जीत है, ये आवाम का फैसला है। ओवैसी ने कहा कि हम बीजेपी से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे, हमें भरोसा है कि तेलंगाना के लोग बीजेपी को राज्य में विस्तार करने से रोकेंगे। हैदराबाद नगर निगम में जीत पर टीआरएस समर्थकों में भारी जश्न, पारंपरिक नृत्य कर जताई खुशी। कोरोना वैक्सीन पर आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक, वर्चुअल बैठक में प्रमुख दलों के नेता शामिल रहे, वैक्सीन की तैयारियों पर हुई चर्चा। वैक्सीन पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, अब वैक्सीन के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, कुछ हफ्तों में आएगी वैक्सीन, बनते ही टीकाकरण का अभियान शुरू होगा। पीएम ने बैठक के बाद कहा कोरोना वैक्सीन के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है, सबसे पहले बीमारों और बुजुर्गों को वैक्सीन दी जाएगी। पीएम ने कहा कि वैक्सीनेशन में हमें सावधानी लगातार बनाए रखनी है, 2 गज की दूरी का लगातार पालन करना है, लापरवाही से भारी नुकसान हो सकता है। देश में कोरोना के 36,595 नए मामले आए सामने, पिछले 24 घंटे में 540 संक्रमितों की मौत। भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 95 लाख के पार, अब तक 1,40,000 से ज्यादा मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,067 नए मामले आए सामने, जबकि 73 लोगों की हुई मौत। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 726 नए मामले आए सामने, जबकि 20 लोगों की हुई मौत। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा 2,76,000 के पार, प्रदेश में एक दिन में 1,934 नए मरीज आए सामने।
मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना के चलते 8वीं तक के स्कूल 31 मार्च तक बंद। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,206 नए मामले आए सामने, जबकि 52 लोगों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 599 नए मामले आए सामने, जबकि 6 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,247 नए मामले आए सामने, जबकि 13 लोगों की हुई मौत। जी हिंदुस्तान की मुहिम का बड़ा असर, कर्नाटक सरकार भी लव जिहाद पर बनाएगी कानून, जल्द हो सकता है ऐलान। बंगाल के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान, आज 1 करोड़ परिवार तक पहुंचेंगे कार्यकर्ता, खोलेंगे ममता सरकार की पोल। उत्तराखंड के 4 दिवसीय दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरिद्वार में संगठन के सदस्य और संतों से मुलाकात। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की रैली, कहा जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए उनके बीच आई हूं। आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में वक्फ बोर्ड की स्थापना, जल्द केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सीमापार से गोलीबारी, पाकिस्तान ने केरन सेक्टर में दागे मुट्ठा। पीएफआई की छापेमारी में ईडी को मिले अहम दस्तावेज, लखनऊ बाराबंकी में छापेमारी की थी, सीए हिंसा में गिरफ्तार, नदीम बाराबंकी का रहने वाला है। फिल्म सिटी को लेकर मचे घमासान के बीच उद्धव सरकार के समर्थन में प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, सीएम उद्धव को चिट्ठी लिखकर फिल्म सिटी मुंबई में रहने का समर्थन दिया। पालघर मामले पर बीजेपी नेता राम कदम का महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा सीबीआई को कैसे क्यों नहीं सौंपती, केस क्यों नहीं सौंपती उद्धव सरकार। ड्रग्स मामले में कई बड़ी हस्तियों की हो सकती है गिरफ्तारी, एनसीबी के रडार पर कई ड्रग्स पेडलर्स, एनसीबी के साथ एंटी नार्कोटिक सेल और डीआरआई भी एक्टिव। शराब की दुकानों को लेकर के महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 2016 से बंद पड़ी शराब की 1500 दुकानों को दोबारा से खोलने का आदेश। डीआरआई ने मुंबई में 3 करोड़ की हेरोइन की जब्त, तंजानिया से नकली बालों के पैकेट में लाई जा रही थी हेरोइन। विदेश में भी विजय माल्या के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, फ्रांस में मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत करीब 14 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। अक्षय कुमार अयोध्या में करेंगे अपनी आने वाली फिल्म राम सेतु की शूटिंग, अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शूटिंग के लिए मांगी अनुमति। आज कोविड टेस्ट सेंटर लोकेटर ऐप का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, ऐप से 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद कोविड जांच केंद्र की मिलेगी जानकारी। कानपुर के कुख्यात विकास दुबे को पकड़वाने वालों को मिलेगा इनाम, 6 लोगों के नाम हुए फाइनल, योगी सरकार देगी 5 लाख रुपए का पुरस्कार। हाथरस की पॉक्सो कोर्ट ने पेश की नजीर, 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 50 दिन में उम्र कैद की सजा, पुलिस ने कोर्ट में 9 दिन में दाखिल कर दी थी चार्जशीट। झांसी में एमएलसी चुनाव में मतगणना के दौरान हंगामा, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस से हाथापाई का आरोप, एसपी सिटी ने दिए जांच के आदेश। गाजीबाग के ईस्टर्न पेरिफेरियल पर सड़क हादसा, कार सवार ट्रक में घुसा, हादसे में 1 की मौत, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फिसलकर गिरा शख्स, आरपीएफ के जवान ने बचाई जान, नहीं आई कोई खरोंच। यूपी के अंबेडकर नगर में गन्ना तोड़ने के आरोप में दलित युवक की पीट पीट कर हत्या, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 2 आरोपी गिरफ्तार। अब मऊ से सामने आया लव जिहाद का मामला, शादीशुदा शख्स पर युवती को लेकर फरार होने का आरोप, चिरैया कोट थाने में पुलिस ने नए कानून के तहत दर्ज किया केस। ललितपुर में ग्रामीणों ने किया पुलिस की टीम पर पथराव, 1 दारोगा समेत 3 पुलिस वाले जख्मी। रायपुर में कुछ दिन पहले विकास कार्यों के लोकार्पण पर बीजेपी के सवाल, पूर्व मंत्री राजेश का आरोप, बगैर टेंडर प्रक्रिया काम कराकर सरकार के संरक्षण में हुआ भ्रष्टाचार। माफिया के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी, उज्जैन में बदमाश शाके उर्फ अंडा का वैध मकान जमी दोस्त, तो मुरैना में भी रासुका के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके में पुलिस का हुक्का बार पर छापा, नशे की पार्टी से हिरासत में लिए गए लड़के और बार मैनेजर, पूछताछ के बाद छोड़ी गई लड़कियां। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, भागवत के दौरे से पहले सियासी पारा भी गरम। बिहार में बढ़ते अपराध पर बिफरे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, कहा डीजीपी से मिलकर खुद करूंगा कानून व्यवस्था पर बात। कोरोना को लेकर के मुख्यमंत्री आवास पर हुआ मंथन, सीएम गहलोत ने अधिकारियों से लिए फीडबैक, चिकित्सा मंत्री समेत कोविड ग्रुप के अधिकारी भी रहे मौजूद। भरतपुर के कामा में रैन बसेरे में शराब पार्टी, न्यायिक मजिस्ट्रेट के औचक निरीक्षण में हुआ खुलासा, पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया। केरल और तमिलनाडु में प्रवेश से पहले बुरेवी तूफान ने चेन्नई में दिखाया ट्रेलर, भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी। तूफान से पहले हुई बारिश के बाद पानी में डूबी चेन्नई की सड़कें, गाड़ियों की आवाजाही में हो रही है परेशानी।
धर्मशाला में बर्फ की सफेद चादर से ढकी चोटियों की निहारने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। त्रिवेणी में पहुंच रहे हैं सैलानी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा महामारी में 30 करोड़ लोगों को किया कैश ट्रांसफर। आरबीआई ने एटीएम से लेन देन का नियम बदल दिया है, 1 जनवरी से कर पाएंगे 5,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन। आरबीआई जारी करेगा डिजिटल पेमेंट सुरक्षा की गाइडलाइंस, गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी ये जानकारी। अल्ट्राटेक करेगी 5,477 करोड़ रुपए का निवेश, कुल उत्पादन क्षमता बढ़ाकर के 13.62 करोड़ टन हो जाएगी। बर्गर किंग आईपीओ 156 गुना हुआ सब्सक्राइब, 810 करोड़ का फंड जुटाएगी कंपनी। कैनबरा टी20 में टीम इंडिया की जीत, ऑस्ट्रेलिया की 11 रन से दीमार। पहले टी20 में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने बनाए थे 161 रन, जबकि चहल और नटराजन ने झटके 3-3 विकेट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में टीम इंडिया की जीत पर कोहली खुश, कनेक्शन नियम के सहारे जीती टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हुए रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर को मिली जगह। दक्षिण अफ्रीका का एक खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पहला वनडे स्थगित। वरुण धवन, नीतू कपूर को हुआ कोरोना, रुकी जुग जुग जियो फिल्म की शूटिंग। मनोबाई फ्री बनने पर अर्शद वारसी ने कहा कि राजकुमार हिरानी के घर जाकर के धमकाइए। सोनम कपूर की पति आनंद आहूजा संग रोमांटिक तस्वीरें वायरल, फैंस ने की जमकर तारीफ। आदित्य और श्वेता के रिसेप्शन का एक नया वीडियो आया सामने, इस वीडियो में गोविंदा डांस करते हुए आए नजर। मानुषी छिल्लर अपनी ड्रेस से निकालना भूल गई, प्राइस टैग वीडियो हुआ वायरल। अक्षय कुमार ने शुरू की आनंद एल रॉय की फिल्म अतरंगी रे की शूटिंग, सारा अली खान के साथ शेयर की तस्वीर। दर्पण की उम्र में करोड़ों दिलों पर राज करने वाली माधुरी दीक्षित ने शेयर की बिना मेकअप वाली तस्वीर, फैंस हुए हैरान, कहा ये फोटो हटा लीजिए। कविता कौशिक के पति रोनित ने अभिनव शुक्ला पर लगाया आरोप, कहा अभिनव ने आधी रात को नशे में कई बार कविता को किया कॉल, फैंस हैरान। अमेरिका के मिनेसोटा में चला बड़ा हादसा, खराबी के बाद हाईवे पर उतरे छोटे विमान ने वाहन को मारी टक्कर, हादसे में कोई घायल नहीं। इंग्लैंड का एक कंट्री हाउस हजारों लाइट्स के साथ जगमगाया, हर साल क्रिसमस से पहले सजाया जाता है। व्हाइट हाउस के बाहर राष्ट्रीय क्रिसमस ट्री की लाइटिंग दिखाते हुए डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा क्रिसमस के दौरान कोरोना वायरस वैक्सीन का आना एक चमत्कार। म्यांमार में एक बॉल विक्षूप करते हैं सोपों को बचाने का काम, खतरनाक कोबरा और पाइथन को तस्करी से बचाने के लिए कई सालों से डटे हैं। अलास्का के हेंस में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से तबाही, कई लापता, राहत और बचाव कार्य जारी। दक्षिणी कैलिफोर्निया ने जंगलों में भीषण आग, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, आग बुझाने का काम जारी। दो लाल पांडा बढ़ा रहे हैं चिली के जू की रौनक, कोरोना काल में कई महीनों बाद खुला चिड़ियाघर, लाल पांडा को देख पर्यटक खुश। मॉस्को के चिड़ियाघर में दिख रहा है ठंड का असर, जमे हुए पानी में खेलते दिखे दो विशाल पांडा। अलग अंदाज में वीडियो बनाने के लिए लग्जरी गाड़ी को किया चकनाचूर, लोगों ने कहा यकीन करना मुश्किल। सड़क पर बाइक चलाते हुए मस्ती करना पड़ा दो युवकों को भारी, एक दूसरे से टकराए और पूरी तरह से गिरे, वीडियो हुआ वायरल। 7 साल की बच्ची ने खाना ऑनलाइन किया ऑर्डर, घर पहुंचे 42 डिलीवरी बॉय, ऐप में तकनीकी खराबी पाई गई वजह, फिलीपींस के सेबू शहर की घटना। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।